करहल क्षेत्र में सांसद चुनने का उत्साह, कहीं 110 साल की बुजुर्ग महिला तो कहीं दूल्हे ने बारात निकालने से पहले किया मतदान। खबर करहल से है, जहां आज 7 मई के लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए आज मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जिसका उदाहरण है कि भीषण गर्मी होने के बावजूद भी पनवाड़ा ग्राम में 110 साल की बुजुर्ग महिला सरदार बाई सिसोदिया वोट डालने मतदान केंद्र पहुंची। वहीं करहल में एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंची। सेसईपुरा में दूल्हे ने अपनी बारात निकालने से पहले अपनी लोकतंत्र की जिम्मेदारी समझी और मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। बुजुर्ग लोगों ने भी कड़ी धूप में पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचे। शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे थे। समय समय पर पुलिस गाड़ियां सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रही थी। मतदान केंद्रों पर भी ठंडे पानी और टेंट की उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं अपना सांसद चुनने के लिए जनता में भी काफी उत्साह था। संपूर्ण क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। देखे संवाददाता अमित श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। वोट डालना हमारा अधिकार है, कोई भी सब काम छोड़ के अपने बच्चे के साथ आए हैं वोट डालने, यानी हमारा अधिकार है। छोटा बच्चा है तब भी आप आए हैं यहाँ वोट डालने के लिए? क्योंकि 5 साल में एक ही बार पड़ता है। अच्छा बोलो। मैं भलाई इतनी उम्र है, अब चलते फिरते मैं तो बोलूंगी और आप जीऊंगी जहाँ तक डाल, यानी आप जब तक आपको मौका मिलेगा तब तक आप वोट डालेंगे? जब तक डालूंगी। सीताराम जी, आपने क्या वोट कर दिया अभी? हाँ, मैंने कर दिया है। क्या रहेगा इस बार, कैसा माहौल है वोट के लिए लोगों? बढ़िया माहौल है। क्या वोट प्रतिशत बढ़ेगा इस बार पिछली बार से? हाँ, ज्यादा बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा मोदी जी के लिए। और विकास अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा मोदी जी ने, देश का 12 में 3 सोच है इनकी, मोदी जी की। डोडर में मतदान केंद्र क्रमांक 4 पे वोट करके आया हूँ। अच्छा, क्या है इस बार, क्या ले रहे? लोगों में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, भारी उत्साह है। और हमें उम्मीद है कि अगली बार से मत का प्रतिशत बहुत बढ़ेगा। अभी हम 3-4-5 पोलिंगों पर होकर के आए हैं, तो अभी 3-4 पोलिंगों में तो अभी 10 बजे ही 50% तक मतदान हो गया, तो मेरे को लगता है 80% तक मतदान जाने की, कई मतदान केंद्रों में तो 80% तक मतदान होने की उम्मीद है। यानी इस बार लोग विकास को देखकर वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी के विकास को, भाजपा की सरकार के विकास को देख करके, और लोगों में भारी उत्साह है और भारी उत्साह के साथ टोलियों में लोग मतदान करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहनलाल गौतम। ये क्या, कहाँ पर आए हैं आप अभी वोट डालने? संदेश देना चाहते हो वोट के लिए? भाई वोट देना चाहते हैं, वोट हमारा अधिकार है, समझिए। और हम जो है मतलब इतनी उम्र होते हुए भी हम वोट देने के लिए पैदल वहाँ से आए हैं, हमारा अधिकार है, इसलिए हम जो है संविधान ने हमको अधिकार दिया और उसी अधिकार के हिसाब से हम जो है वोट डालने के लिए। कराल से आया हूँ मैं, यहाँ से वोट डलवाने आया हूँ। इनको, इनकी तबीयत खराब है फिर भी मैं इनको वोट डलवाने आया हूँ। हमारा अधिकार है इसलिए वोट डालना सबको चाहिए, और मेरी गुजारिश है सब लोगों से ये वोट डालें जिससे कि सरकारें चलें।